नमस्कार नवारा टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं अनुराग, पेश अब तक की बड़ी खबरें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC एग्जाम 2018 में स्कैम की शिकायत के साथ स्टूडेंट्स का प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए और मांग की कि इसकी CBI जांच की जाए। प्रदर्शन की वजह से पुलिस ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन को शाम 5:30 बजे तक बंद करवा दिया था। SSC का Tier 2 एग्जाम 17 से 22 फरवरी तक ऑनलाइन मोड से हुआ था। एग्जाम के प्रश्न पत्र और आंसर शीट लीक हो गई थी, जिसके बाद स्टूडेंट्स का कहना था कि इसकी CBI जांच की जाए क्योंकि परीक्षा में धांधली हुई है। छात्रों के अनुसार पेपर लीक की मुख्य वजह SSC में फैला करप्शन है। वही मामले पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए उनकी मांग को जायज ठहराया। PNB में हुए 12,600 करोड़ रुपए के फ्रॉड पर कांग्रेस पार्टी ने फिर से सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लगता है सरकार का नया नारा हो गया है कि खाऊंगा और खाने दूंगा और पैक करके ले जाने भी दूंगा। उन्होंने कई दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि ऐसा फर्जीवाड़ा काफी समय से जारी था और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। सुरजेवाला ने विजय माल्या, विंसन ग्रुप के मालिक जतिन मेहता आदि के कर्ज लेकर देश छोड़ने को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। चुनाव के बीच EVM मशीनों को लेकर फैली अफवाहों पर अब चुनाव आयोग सख्त हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में चुनाव आयोग ने दो टूक कहा है कि EVM मशीनों के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। बावजूद इसके अगर कोई इस पर सवाल उठाता है तो उसे साबित भी करना होगा। आयोग ने कहा है कि अगर सवाल उठाने वाला यह साबित करने में नाकाम रहा तो फिर उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही 6 महीने की कैद की सजा की भी तैयारी की जा रही है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार ने कहा, हरेक को EVM या VVPAT की विश्वसनीयता के बारे में सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई यह साबित करने में नाकाम रहता है तो फिर उसे 6 महीने की कैद के लिए तैयार रहना होगा। PNB धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ED ने गीताली जेम्स और इसके प्रमोटर मेहुल चौकसी की 41 संपत्तियों को कुर्क किया है। ED के मुताबिक इन कुर्क संपत्तियों की कीमत 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। निदेशालय ने इस मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत संपत्तियां कुर्क की है। इन संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों में मुंबई के 15 फ्लैट, 17 ऑफिस, कोलकाता का एक मॉल, अलीबाग में 4 एकड़ का एक फार्म हाउस और नासिक, नागपुर, पनवेल तथा तमिलनाडु के विलीपुरम में कुल 231 एकड़ की जमीन भी शामिल है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और फिलहाल पाकिस्तान प्रीमियर लीग के लिए खेल रहे केविन पीटरसन ने पाकिस्तान में खेलने से साफ इनकार कर दिया है। पीटरसन क्वेटा ग्लेडियर्स की तरफ से खेल रहे हैं और बुधवार को हुए मैच में उनकी बदौलत टीम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया था। इस टीम के कप्तान मिसबाहुल हक है। मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने पीटरसन से पूछा था कि अगर टीम फाइनल तक पहुंची तो क्या पीटरसन मैच खेलने कराची जाएंगे। इस पर पीटरसन ने सीधे नहीं में जवाब दिया। आपको बता दें कि पीटरसन ने 34 गेंदों पर 48 रन बनाकर टीम को इस सीजन में दूसरी जीत दिलाई है। ऐसे में उनका यह बयान क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक खतरे की घंटी है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए नवारा टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।